हेलो फ्रेंड, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज मैंने सुबह में एक वीडियो डाला था कि कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आने वाला है आज, तो रिजल्ट तो आ गया है। और उसमें जो जो सफल हुए हैं अभ्यर्थी लोग, उन लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए देखते हैं कि आखिर वो रिजल्ट में क्या क्या है, कितना मेरिट है और कितना मेरिट बना है, और कि क्या वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है या नहीं, उसके बारे में चलिए पूरा देखते हैं। और इससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब वाले बटन पर जाकर। तो चलिए देखते हैं। मैंने एक PDF डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आज के डेट में आया हुआ है ये रिजल्ट। और इसमें जो कि 2 साल से फंसा हुआ था ये भर्ती, 2016 का ही आया हुआ था और अब जाकर इसका फाइनल रिजल्ट आया है। और इसमें देखिए यहाँ पर 3200 सीट अनारक्षित के लिए था और 919 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए 781 सीट था और जनजाति के लिए 49 सीट था। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पद के लिए जैसे सीट खाली रह गए हैं। तो जैसे भूतपूर्व वाले में भी सीट देख रहे हैं खाली हो गया है, अनुसूचित जाति वाले में भी सिर्फ 781 योग्य अभ्यर्थी ही उपलब्ध हो पाए थे, 189 सीट खाली रह गया। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति वाले में भी सीट खाली रह गया है 86%। तो इन सब सीटों को देखने पर ये जरूर होता है कि शायद विभाग की तरफ से कोई वेटिंग लिस्ट निकाली जा सकती है। और इसके बाद देखिए जो इसका कट ऑफ जो बना था, मैं वहाँ पर चलता हूँ सीधे, आप लोग रिजल्ट यहाँ से देख लेंगे और मैं कट ऑफ आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कट ऑफ कितना बना था। यहाँ पर देखिए कि जो जनरल कैटेगरी का है उसका 68.5 नंबर कट ऑफ बना था, और पिछड़ा वर्ग के लिए 66.5 नंबर, और अनुसूचित जनजाति के लिए 38 और अनुसूचित जाति के लिए 46.5 बना था कट ऑफ, और महिलाओं के लिए 61.5 बना था, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 55.5 और विकलांग के लिए 50.5। तो इस तरह से देखिए कि ये कट ऑफ बना हुआ है। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है इसमें, और इससे पहले जिन लोगों का हो गया होगा जो इसका इंटरव्यू दिए हुए थे, तो उन लोग का सीट खाली हो गया, कुछ सीट खाली रह गया है। तो उस पर चर्चा चल सकती है कि शायद सीट खाली होने की वजह से वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो अगर सभी लोग इस बात को लें और लखनऊ पहुँचे धरने का कार्यक्रम करें, या फिर जो भी मतलब कि आयोग से बात किया जाए, सचिव से बात करने पर शायद वो लोग बता दे कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जा सकता है कि नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शायद वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और धन्यवाद।